राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइव सीमा में स्वागत है। और इस टाइम शाम के 5:52 हो चुके हैं जिससे हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। और आज दिन है शनिवार, कल संडे है तो कल काम कर लेंगे, तो आज सोचा व्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। तो टाइम और जो दिन है वो आराध्या ने बता दिया है, 6 बज चुके हैं इस टाइम पे। मैं उतार रही हूँ कपड़े, कल धोए थे ये, कल तो रात ही हो गई थी, उस टाइम पे धोए थे तो फिर मैंने बाहर ही डाल दिए थे कि देखी जाएगी कि कहीं बारिश वगैरह ना आ जाए। मेरी माँ तो बोल रही थी कि आएगी उतार ले, मैंने कहा नहीं, तारे निकले हुए हैं, कुछ नहीं आता। तो सुख तो दिन में गए थे लेकिन टाइम नहीं लगा, तो अब उतार रही हूँ मैं। और ये जो पर्दे हैं वो मैंने नीचे फेंक दिए हैं क्योंकि नीचे के ही हैं ये, और लगा देंगे फिर, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं धो देती हूँ। तो कपड़े मैंने उतार के रख दिए हैं और अब आ गई हूँ किचन में क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना कुछ काम करना था। और किचन आज फैला फैला सा है तो थोड़ा सा इग्नोर करना। और यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था तो मैं वही देख रही थी। और अब ये जो सब्जियाँ हैं वो लेकर के आए थे, तो जो टमाटर हैं वो मैं निकाल करके रख दूंगी, मतलब टमाटर, खीरे और जो मटर, ये जो तीन चीज़ें लेकर के आए थे, और अदरक था। और तो टमाटर भी मैंने निकाल दी हैं और जो मटर हैं वो भी निकाल दी हैं। अब ये जो खीरे हैं वो निकाल करके रख दूंगी। और अंगूर लेकर के आए थे तो ऐसे ही उठा रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब जितने खा रहे हैं उतने ही धो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये सारे ही मैं धो करके रख दूंगी। और यहाँ पे पानी गर्म किया था तो वो इस पतीले में डाल दिया है। और मुझे धोने हैं किचन टॉवल, बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जो सरफ है वो डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर विनेगर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर हम डाल देते हैं ना गर्म पानी में उबलते हुए में, जैसे मैं अभी किचन टॉवल डालूंगी, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे, क्योंकि चूल्हे के काम पर तो हो ही जाते हैं। और फिर एक थोड़ा सा मतलब होता है भी, एक तो रखते ना फिर तो अलग बात है, कोई कहीं पे मिलेगा कोई कहीं पे मिलेगा, तो उस वजह से सारे मैंने मंगवा लिए थे नीचे से। और अब ये सारे अच्छे से मैं साफ़ कर दूंगी, तो उबलते पानी में मैंने डाल दिए हैं लेकिन पतीला छोटा पड़ गया था तो फिर दोबारा से मुझे फिर पानी गर्म करना पड़ा। और अब ये मेरे पास जो ऑयल की जो 2 बोतल हैं जिसमें मैं डाल के रखती हूँ सरसों का तेल, तो वो खाली हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों को भी मैं भर के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना फिर आसानी हो जाती है सब्जी बनाते हैं तो हम। और अब यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो भी मैं धो करके रख दूंगी। यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी ने जो अंगूर है वो धो दिए हैं, साथ में है मटर और खीरा, नींबू, टमाटर। तो अब करेंगे हम बेडशीट चेंज, कई दिनों से आई रखी है लेकिन बस आजकल आजकल में। और अब मैं इससे बिल्कुल उब चुकी हूँ, ये जो बिछा रखी है वैसे तो देखो इसका जो है ना मतलब अच्छी लगती है ये बहुत ज्यादा, और ज्यादा महंगी भी नहीं आई थी, 600 रुपए की आई थी और ये थोड़ी सी इससे महंगी है, ये 900 के आसपास की आई है। लेकिन ये है कि हाँ इसका जो कपड़ा है ना ये बिल्कुल जैसे जो सूती सा होता है ना वैसा है, मतलब पतला है कपड़ा, और ये थोड़ा सा मोटे में है, जैसे जो जार्ज की नहीं आती है बेडशीट वैसा सा कुछ इसका वो है। तो चलो इसको मैं लगा देती हूँ, लगाने के बाद देखते हैं कि कैसे लगती है इसका डिजाइन। अरुण मेरी दादी बैठी है, दादी राम राम कर दे। तो ये देखो बेडशीट कैसे लगी जरूर बताना कमेंट करके, कैसा लगा आप लोगों को डिजाइन और मेरी पसंद और देखो पर्दों के साथ भी पूरी पूरी मैचिंग जा रही है पूरी पूरी। तो मैं ऐसे ही बहुत देख करके मंगवाती हूँ भाई, कलर वगैरह भी और जो कि मैच भी हो जाए। तो अच्छी लग रही है ना, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी भाई, आप लोगों का पता नहीं। और ये देखो ये भाई मेरे भाई सुनील ने पूछाए थे रक्षाबंधन पे कप, और ये जो कुशन रखे है यू, हाँ। तो यहाँ पे अब मैं लगी हूँ किचन टॉवल धोने के लिए, और नीचे मैंने पन्नी बिछा रखी, मतलब जो बेडशीट निकाली थी ना उसकी दिख नहीं रही है, क्योंकि ना या तो मैं कट्टे पे धोती हूँ या फिर पन्नी वगैरह पे, ऐसे मन नहीं करता सीधा मतलब फर्श पे धोने के लिए। तो बस अब जो किचन टॉवल है वो भी धो लेते हैं अपने। कभी लेट आती है ऐसे ही चलता है, तो अभी मम्मी ने दो दिए हैं और भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, और काम तो इतना रहता है ना पूछो ही मत, पूरा घर की अभी ही क्लीनिंग करके सोएंगे, सुबह काम ज़्यादा हो जाएगा ना क्लीनिंग रहता ना यहाँ करे बेटा।
कुकर हो जाएगी बाहर को धोकर सो जाओ। ना 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 इतनी मत रह को नहीं रही, ये तो इब ये तो हो गया कपड़े की तय हो जाएगी वही बहुत से और फिर काम तो हो जाएगा फिर आराम से बैठे बैठे के तो दिन में कर गई मैं आज थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो सीध रहे हमने बैठ गई मैं कई देर तक बैठी रही बस फोन ऑन देख दी रही और रात लेट गए उस चक्कर में राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ की सीमा पर हार्दिक स्वागत है। और सारा टाबर वही जय भी लग रहा है मटर निकाल कर यू खावा थोड़ी यू गेरा तो इसमें है को नहीं यू तो अपना खाने खातर ले रहे बेचारा। तो भाई इस टाइम पर 10 बज रहे हैं और बाकी जो हमारा काम है वो सारा हो गया। देखे होगा आपने कपड़े की तय ला दी है और जो किचन टावल वो धो दे। तो हमने सोचा कि चलो भाई इतना मटर और निकाल कर रख दिया क्योंकि सवेरे फिर टाइम लगेगा और भाई किस तैयारी में लगे पड़े हैं वो आपने इस अगला जो ब्लॉग है उसमें पता लग जाएगा। आप ठीक है इंटरेस्ट बनाए रखो, अपना इंटरेस्ट बनाए रखो हमारे साथ और देख लो पूरा टाबर लगे पड़ा है इतने चाल चढ़ रहे हैं सबके ब्याह में नहीं काटा करा सारे बैठ के मटर तो वहां भी वो काम कर काम होने वाला हो रहा है बुलटान वाली हो रही है दुर दुर कर दी जल्दी ही आपने देखा ना मिलेगी सारी उल्टी पसंद है बुलट एसी और कुछ ना एसी अपनी कोई पसंद नहीं है एसी को नहीं लाओ पक्की बात है हमें नहीं 5 मिनट पहले कह लग रहे थे ये ना जो पैन की और बात हो है आप जानते एसी पक्की बात है मैं कूलर भी जानता पक्की बात है मैं कूलर तो लेके आऊंगा एसी को नहीं लेना पक्की बात है कूलर नहीं आओगा एसी आ जाएगा देख लो मुकर है ना आपकी बात है ना कूलर का के जाना फिर पागल एसी में नहीं बंदा का शरीर खराब हो जाए है कोई नहीं बड़ा शरीर गाणी ना देखा है आत्मा अजर और अमर है शरीर नश्वर है। एक तो एसी एक या दो डाइनिंग टेबल होया करे या और एक गाड़ी सिर्फ 3 चीज पसंद को नहीं बाकी सारी चीज पसंद है। डाइनिंग टेबल हाँ खाना खाया करे मेज पे बैठ के सारे वो वाला अच्छा, क्योंकि तो देखो खाना जमीन पे बैठ के खाना चाहिए हम हाँ। तो मतलब बहुत कम हो या करे कि हम बेड पे या फिर सोफे पे या कहीं पर भी खाना भुजिया भी उस पर खा जाए बेड पे भुजिया तो बेड पे बैठ के खा जाए लेकिन खाना हमेशा हम जमीन पे बैठ के खाना भुजिया हम 3 तो जमीन पे बैठ के खाया करा कपी वो कॉपी है नी वो मैम जी को देनी है तो मटर और हाँ भाई इस वीडियो का एंड भी होगा तो मैं थोड़ी सी बात और कर लूँ आप पे कि जैसे मैंने आज जो टाइटल डाला था उस पर आ रहे हैं। देखो पहले तो मैं अपने सॉरी बोलूंगी भाई चलो कोई बात नहीं मामने बच्ची को नहीं सो बात दी होगी जहाँ पे इतने कमेंट आ गए भाई नहीं डालना चाहिए या किसी और तरना के पाड़ेगी अरे कमेंट आ रहा है पागल सी या बात करनी कदी नहीं आस जरा नहीं आसना होगा सुनो हो सुना
भाई वो सिर्फ एक मजाक था, मतलब ना तो किसी ने भी या बात किसी को भी परम बात नहीं करता। बाकी वीडियो भी बन गई मेरी इस बात पे, क्योंकि बात देखे जा रहे लोग सीमा की एक बगी और बेमन ने कह रही थी ना, तो इसी कोई बात नहीं है। देखो हम किसी ने निकल दे, हमारी किसी गलत कोई दुश्मनी नहीं है, सब अपने हैं, प्यार प्रेम कर रहो, अपना काम करते रहो और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमने किसी से जड़न नहीं काम का की अफवाह फैलाई गई है बीच में भी वही जड़न है। हमने आज तक मैंने कभी अपने बराबर वाले से भी जड़न को नहीं यूट्यूबर की बात हो रही है। आओ मेरे, कोई नहीं मैं भी यूट्यूबर हूँ। तो आप तो फिर मैंने की जड़न होगी है ना, इसी कोई बात नहीं है जड़न वाली। बाकी खांदे पींदे रहो, मौज करो, जाड़ा का टाइम जा लिया। और भाई कोशिश करांगे आगे तो ऐसा व्लॉग नहीं डालना, व्लॉग तो ऐसा डालांगे टाइटल ना डालो। हाँ टाइटल व्लॉग तो बिल्कुल फिट था, व्लॉग में तो कोई कमी कौन थी। बस एक लाइन कह दी, अगर व्लॉग में हम कुछ इसी मतलब ड्रामा करने की कोशिश करते हैं ना भाई, मतलब इस बात से रिलेटेड, तो वो गलत था। सिर्फ लाइन बोली गई थी, वो भी मजाक में बोली गई थी, तो ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए था। बट लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपने नहीं पसंद आता तो आज के बाद हम नहीं करेंगे। मटर आधे छिल गए हमारे, आधे और छिल जाएंगे बात बात में। ओह नहीं, मैंने तो ना अब कुछ चीज इसी देखी, मतलब मैं सच में बताऊं, मुझे घुटने टेक दिए भाई उन लोगों ने कहा गया कि कुछ तो इसे, मतलब तीन चार लोगों ने मेरे ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन दिया है कि भाई हाँ ये बात वो बात, पता नहीं क्यों दिया उन्होंने कि बात लागी ना लागी। हालांकि देखो मैंने उन तक कुछ नहीं कहा कि मैं उनकी बात सुन के बैठू ना, मेरा बात समझ में को नहीं, इसका कड़ा सिर पकड़ू कड़ा पुंजड़ पकड़ू। और कई जन गया वीडियो में पुंजड़ पुंजड़ लग रही है, पता नहीं मतलब कि नुए को नहीं समझ में आना ये के कहना चाह रही है, के कह रही है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोच लिया कि ना बाबा, इनका तो भगवान भी नहीं आगा ले सकता, तो मैं तो चीज की हूँ, तो फिर वे देखता रहा बराबरी को भी हो मेरे पे, थोड़ी सी मेरी बुराई कर लग रही है, है ठीक है। तो मैं तारे आगे आर मान रही हूँ, और टाइटल रहेगा हाँ मैंने हार मान ली है क्यों मैं बड़े शौने। तो भाई जिस आदमी की बात आए मैं, मतलब वो है ना हो भाई, हाँ यू कहना के चाह रहा है या फिर उस बात का मतलब होया करे ना, एक तो होया करे बात भाई रखो अपनी लेकिन सही तरीके से रखो, तो उस बात का कोई मतलब है अर्थ नहीं निकलता, तो भी उस आदमी का बैस लगा काम उनका कहने का मतलब यू है, जिस तरह पे आए मैं मिर्च गेट देख रहा तो थोड़ी सी वह दास आए कर, तो उनकी बात में वह दास भी या मैंने हरियाणा भी मैं समझा दी है। बाकी बस देखो मैं ये नहीं कहती विरोध करो या फिर हो सकता भी, देखो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हो, आप करो आओ विरोध में भी आओ दे सकते आओ, लेकिन बात हाँ बिल्कुल बात में कम होना चाहिए भाई, ताकि सुनने वाले हैं ना जो उनको ये लगे कि हाँ यार कह तो सही रही है देख कुछ भी हो। तो आप विरोध मेरा कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी बातों में दम होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप अब कुछ बोल रहे हो, दो मिनट बाद कुछ बोल रहे हो और वही बंदे आगे मेरे को बोल रहे हैं दीदी मैं ऐसे परिवार से हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ये करो, आप ये तो देख लो आप मेरे साथ कर क्या रहे हो, है सपोर्ट वाली कोई बात नहीं है। जो बात हमसे पूछी जाती है ना हम सारी बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, सबको समझाते हैं, और भाई सपोर्ट की जरूरत पड़े वहां सपोर्ट भी करा दे, हमने लगे भी करना चाहिए। और जो बंदा सही है हाँ, जो इधर उधर फिरेगा मैं देखो वो हमारे बस की है नहीं, जो बंदा असली होगा आपकी जगह पर सही होगा उस नाम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का ब्लॉग, और किसा लगा जरूर बताइयो, और इस वीडियो की मैंने एडिटिंग भी करनी है, और फिर एडिटिंग करके फिर से होंगी क्योंकि सवेरे उठने फिर मैंने अपना काम का लगना है, कल मैं शायद मैं एडिटिंग ना कर पाऊँ, तो इस तरह की कोशिश रहेगी भाई अभी एडिटिंग करके मैं सोऊं। तो चलो भाई बाय बाय बोल दोगी तू, बाय बाय बाय। देखो जी आप बाय नहीं बोलते, आप मिलते रहोगे क्योंकि मिलते रहना चाहिए आदमी ने, कुछ नहीं लेकर जाना, मैं तो कई जाना समझाया करूँ, राइट कुछ नहीं।